इस वीडियो में मैं कुछ आगे बताऊं, उससे पहले मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं गाइस, क्योंकि आज हमारे इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट हुई है। इन सब में आपका बहुत बड़ा महत्व रहा है गाइस, आपने हमारा बहुत ही ज्यादा साथ दिया है। ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा और ऐसे ही हम आपको जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे हमेशा। एंड गाइस, 1000 सब्सक्राइबर की खुशी में आज मैं इस वीडियो के अंदर ऐसे 10 गेम लेके आया हूं जिसमें आपको जबरदस्त खतरनाक ग्राफिक देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको अल्ट्रा HD ग्राफिक का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। आज मैं इस वीडियो के अंदर ऐसे 10 खतरनाक गेम्स लेके आया हूं जिसके आपको ग्राफिक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलेंगे। इन सारे गेम्स के अंदर आपको रेसिंग, फाइटिंग, ड्राइविंग और सस्पेंस से भरे होने वाले हैं, जिनको खेलने के बाद आपका दिमाग भन्ना जाए। अब बहुत हो गई बकवास, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कैसे हो आप सभी लोग, मैं हूं अंकुर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं अंकुर वैभव YT YouTube चैनल। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब शुरुआत करते हैं अपने 10th नंबर वाले गेम से, जिसका नाम है सेंचुरी एज ऑफ एशेज। सबसे पहले बात करते हैं गाइस इस गेम के बारे में, तो ये गेम एक ड्रैगन फैंटेसी फाइटिंग गेम होने वाला है। ये गेम एक ड्रैगन के ऊपर बेस्ड होने वाला है। इस गेम के अंदर आप मल्टीप्लेयर मोड भी खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। इस गेम के अंदर आपको बहुत ही बड़ा फैंटेसी ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिल जाएगा। और गाइस, इस गेम के अंदर आप फ्रीली मोड भी खेल सकते हो। इस गेम के अंदर आपको बहुत तरीके की नस्ल वाले ड्रैगन देखने को मिलेंगे। ड्रैगन को कस्टमाइज भी कर सकते हो, वो भी अपने तरीके से। इस गेम के अंदर आपको खुद का करेक्टर भी देखने को मिलेगा। इस गेम के अंदर आप मल्टीप्लेयर मोड में TDM डेथ मैच खेल सकते हो, जिसको हम TDM एरिना कहते हैं। और गाइस, ये गेम अल्ट्रा HD ग्राफिक पर सपोर्ट होने वाला है। इस गेम के अंदर आपको अल्ट्रा HD ग्राफिक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस गेम के अंदर आपको नाइट मोड के साथ बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। मैं तो कहूंगा गाइस, आपको इस गेम को जरूर डाउनलोड करना चाहिए, बहुत ही फन वाला गेम होने वाला है। अब वही बात करते हैं गेम के साइज की, तो गेम का साइज होने वाला है 667 MB और गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड पर रन कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने 9th नंबर वाले गेम की, जिसका नाम है ट्रक सिमुलेटर अल्टीमेट। सबसे पहले बात करते हैं गाइस इस गेम के बारे में, तो इस गेम को मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि मैंने शुरुआत में इंट्रो में कहा था आज मैं आपको ऐसे 10 खतरनाक ग्राफिक वाले गेम्स बताने वाला जिसमें आपको अल्ट्रा HD ग्राफिक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। जी हां गाइस, इस गेम के अंदर आपको अल्ट्रा HD ग्राफिक का सपोर्ट देखने को मिलता है। और गाइस, इस गेम के अंदर आपको मर्सिडीज बेंज की ऑफिशियल लाइसेंस वाली ट्रक देखने को मिलती है। यार, और क्या चाहिए गेम के अंदर जिसमें लाइसेंस वाली ट्रक देखने को मिले। इस गेम के अंदर आपको मौका मिलता है यार लाइसेंस वाली ट्रक के साथ सिमुलेट करने का। और गाइस, इस गेम के अंदर आपको 100 से भी ज्यादा ओपन वर्ल्ड की सिटीज देखने को मिलती है। इस गेम के अंदर आपको ट्रक जॉब भी देखने को मिलती है, एक ट्रक मैनेजर कंपनी भी चला सकते हो। और गाइस, इस गेम के अंदर आपको 32 से भी ज्यादा अमेरिकन यूरोपियन ट्रक देखने को मिलती है। इस गेम के अंदर आपको रियलिस्टिक वेदर के साथ विलेज, सिटी, हाईवे, रोड तक देखने को मिलती है। गाइस, अब मैं और इसकी बड़ाई नहीं करूंगा भाई, इस गेम के अंदर आपको इतनी सारे फीचर देखने को मिलते हैं, मैं क्या ही बताऊं गाइस। मैं जरूर बोलूंगा आपको इस गेम को जरूर डाउनलोड करने के लिए, जल्दी जाओ मेरे लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड करो। अब वही बात करते हैं इस गेम के साइज की, तो गेम का साइज होने वाला है 1.4 GB और गेम आप पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड पर रन कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने 8th नंबर वाले गेम की, जिसका नाम है गैंग्स टाउन स्टोरी। सबसे पहले बात करते हैं गाइस इस गेम के बारे में, तो ये गेम एक GTA फैन मेड गेम होने वाला है। ये गेम एक GTA सैन एंड्रियास गेम के ऊपर बेस्ड होने वाला है। और गाइस, जब मैं कोई गैंग जैसा नाम लूँ ना, तो आप समझ जाना कि मैं कोई GTA से रिलेटेड गेम बताने वाला, क्योंकि गाइस हमारे ऐसे कुछ व्यूअर्स हैं जिनके पास PC नहीं है और गाइस उन्होंने कोई भी GTA जैसे गेम नहीं खेले हैं, तो ही मैं इनको कहूंगा भाई अगर आपने GTA जैसे गेम नहीं खेले हैं तो इस गेम को खेलकर GTA के सारे फीचर का आनंद उठा सकते हैं। मैं तो कहूंगा गाइस आपको इस गेम को जरूर डाउनलोड करना चाहिए, GTA फैन मेड गेम है। तो इस गेम के अंदर आपको GTA के कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको बहुत ही ज्यादा आनंद देंगे GTA जैसा। इस गेम के अंदर आपको HD ग्राफिक का सपोर्ट देखने को मिलेगा, थोड़े थोड़े GTA से रिलेटेड ग्राफिक देखने को आपको भी मिलेंगे। इस गेम के अंदर आपको सैन एंड्रियास जैसा बहुत ही बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है। डे नाइट साइकिल, क्लाइमेट चेंज के साथ आपको GTA के कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब वही बात करते हैं गेम के साइज की, तो गेम का साइज होने वाला है 818 MB और गेम आप पूरी तरीके से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड पर रन कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने 7th नंबर वाले गेम की, जिसका नाम है स्लॉटर द लॉस्ट आउटपोस्ट। सबसे पहले बात करते हैं गाइस गेम के बारे में, तो ये गेम एक सस्पेंस से भरा गेम होने वाला है। इस गेम के अंदर आपको ऐसी सिटी देखने को मिलती है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें फाइंड करनी होती है और फाइंड करते समय आपको बहुत ही ज्यादा खतरनाक ओपोनेंट एनिमी देखने को मिलते हैं,
जिनको आपको मार कर उस चीज को फाइंड करके इस मोड को कंप्लीट करना होता है। ये गेम एक सर्वाइवल बैटल रॉयल गेम होने वाला है। इस गेम के अंदर आपको बहुत सारे वेपन के साथ बहुत सारी फाइट करनी होती है गाइस। इस गेम के अंदर आपको ज़ॉम्बी भी देखने को मिलते हैं और बहुत सारे वेपन्स देखने को मिलते हैं अलग अलग तरीके के ओपोनेंट एनिमी को मारने के लिए। इस गेम के अंदर आपको बहुत ही बड़ा पैलेस देखने को मिलता है। स्ट्रेटेजी लगाकर बहुत ही खतरनाक एनिमी को आप मार सकते हो। इस गेम के अंदर गाइस आपको डिसेंट क्वालिटी के HD ग्राफिक तक देखने को मिलते हैं। ये गेम एक गाइस स्टोरी मोड पर चलता है। इस गेम के अंदर आपको बहुत सारी स्टोरी देखने को मिलेंगी। अगर आप स्टोरी कंप्लीट कर लेते हो तो आपके सारे मोड्स कंप्लीट हो जाते हैं। ये गेम बहुत ही ज्यादा मजेदार और फन वाला होने वाला है। मैं तो कहूंगा गाइस इस गेम को भी आपको जरूर डाउनलोड करना चाहिए। और वही बात करते हैं गेम के साइज की, तो गेम का साइज होने वाला है 455 MB। गेम आप पूरी तरीके से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड पर रन कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने 6th नंबर वाले गेम की, जिसका नाम है OWRC ओपन वर्ल्ड रेसिंग कार। सबसे पहले बात करते हैं गाइस गेम के बारे में। ये गेम रियलिस्टिक स्ट्रीट रेसिंग गेम होने वाला है। इस गेम के अंदर आपको बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है जिसमें आप रेस कर सकते हो। इस गेम के अंदर आपको बहुत सारी रेसिंग कार्स देखने को मिलती है जिनसे आप रेस कर सकते हो। इस गेम के अंदर आपको HD ग्राफिक का सपोर्ट भी देखने को मिलता है और आप अपनी कार को भी कस्टमाइज कर सकते हो अपने तरीके से। इस गेम के अंदर आपको डे नाइट क्लाइमेट चेंज के साथ बहुत सारे रेसिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं गाइस। मैं तो कहूंगा आपको इस गेम को जरूर डाउनलोड करना चाहिए। भाई जो रेसिंग के दीवाने हैं उनके लिए तो ये गेम बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। इस गेम के अंदर आपको लैग इशू जैसी चीज कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाली है। और वही बात करते हैं गेम के साइज की, तो गेम का साइज होने वाला है 449 MB और गेम आप पूरी तरीके से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड पर रन कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने 5th नंबर वाले गेम की, जिसका नाम है रशियन ड्राइवर। सबसे पहले बात करते हैं गाइस गेम के बारे में, तो ये गेम है एक्साइटिंग एक्शन सिमुलेटर गेम होने वाला है। आप एक्सप्लोर कर सकते हो क्रिमिनल वर्ल्ड को। ये गेम भी आपको GTA फैन मेड के रूप में देखने को मिलेगा। बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको GTA के अंदर देखने को मिलते हैं। और गाइस आप बहुत सारे काम इस गेम के अंदर कर सकते हो जो कि आप GTA के अंदर करते हो। इस गेम के अंदर आपको स्टोरी मोड तक देखने को मिलता है जो कि आपको GTA में देखने को भी मिलता है। इस गेम के अंदर आपको 20 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके के व्हीकल देखने को मिलते हैं जिनसे आप इस गेम के अंदर सिमुलेट कर सकते हो। और गाइस इस गेम के अंदर आपको एक ऐसा फ्री मोड भी देखने को मिलता है जिसमें आप लार्ज ओपन वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर कर पाओगे। और गाइस इस गेम के ग्राफिक आपको डिसेंट क्वालिटी के HD ग्राफिक तक देखने को मिलेंगे। डे नाइट साइकिल क्लाइमेट चेंज के साथ आपको GTA के कुछ फीचर देखने को मिलेंगे। अब वही बात करते हैं गेम के साइज की, तो गेम का साइज होने वाला 337 MB और गेम आप पूरी तरीके से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड पर रन कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने 4th नंबर वाले गेम की, जिसका नाम है वार थंडर मोबाइल। सबसे पहले बात करते हैं गाइस गेम के बारे में, तो ये गेम एक वार गेम होने वाला है। इस गेम के अंदर आपको हैवी पेलोड व्हीकल देखने को मिलेंगे लाइक टैंक शिप फाइटिंग जेट्स वगैरह। और गाइस इस गेम के अंदर आपको रियलिस्टिक फिजिक्स तक देखने को मिलती है। और गाइस इस गेम के अंदर आप मल्टीप्लेयर मोड में टीम डेथ मैच भी खेल सकते हो जिसको हम TDM एरिना कहते हैं। और गाइस इस गेम के अंदर आपको टैंक फाइटिंग जेट्स की बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलेंगे और आप अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हो। इस गेम के अंदर आपको HD ग्राफिक का सपोर्ट भी देखने को मिलता है और आप एक्सपीरियंस कर सकते हो मिलिट्री व्हीकल्स का। और गाइस ये गेम एक वार बैटल के ऊपर बेस्ड होता है। इस गेम के अंदर आपको नाइट मोड के साथ बहुत सारे अलग अलग फाइटिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं। और वही बात करते हैं गेम के साइज की, तो गेम का साइज होने वाला है 74 MB और गेम आप पूरी तरीके से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड पर रन कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने 3rd नंबर वाले गेम की, जिसका नाम है कार सिमुलेटर 2। सबसे पहले बात करते हैं गाइस गेम के बारे में, तो ये गेम एक कार सिमुलेटर गेम के ऊपर बेस्ड होने वाला है। इस गेम के अंदर आपको 2 मोड देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन मोड पर आप मल्टीप्लेयर मोड खेल सकते हो और ऑफलाइन मोड पर आप फ्री टू प्ले मोड भी खेल सकते हो। इस गेम के अंदर आपको 360 डिग्री कार इंटीरियर तक देखने को मिलता है। इस गेम के अंदर आपको बहुत सारी कार देखने को मिलती है जिनसे आप रेस कर सकते, जिनसे आप सिमुलेट भी कर सकते हो और आप अपनी कार को कस्टमाइज भी कर सकते हो, वो भी अपने तरीके से। और गाइज इस गेम के अंदर आपको साउंड इफेक्ट के साथ फिजिक्स भी रियलिस्टिक देखने को मिलने वाली है। और गाइज इस गेम के अंदर आपको डिसेंट क्वालिटी के HD ग्राफिक तक देखने को मिलते हैं। इस गेम के अंदर आपको 3D ओपन वर्ल्ड के साथ डे नाइट साइकिल क्लाइमेट चेंज तक देखने को मिलता है। और वही बात करते हैं गेम के साइज की, तो गेम का साइज होने वाला है 478 MB और गेम आप पूरी तरीके से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड पर रन कर सकते हो।
अब बात करते हैं अपने सेकंड नंबर वाले गेम की, जिसका नाम है ट्रैफिक कार रेसर इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं गाइस गेम के बारे में। तो गाइस इस गेम के नाम पर आप मत जाना, इस गेम के अंदर आपको इंडिया की नहीं फॉरेन की भी बहुत सारी कार देखने को मिलती है, जिनसे आप कार सिमुलेट के साथ कार रेसिंग भी कर सकते हो। इस गेम के अंदर आपको 40 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके के व्हीकल देखने को मिलते हैं। इस गेम के अंदर आपको HD ग्राफिक का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, साथ ही में गाड़ियों की रियलिस्टिक फिजिक तक देखने को मिलती है। इस गेम के अंदर आप अपनी व्हीकल को भी कस्टमाइज कर सकते हो। और गाइज ये गेम एक इंडियन नाम पर बेस्ड है, लेकिन इस गेम के अंदर आपको रशियन सिटी देखने को मिलेगी। ये गेम एक रशियन सिटी पर बेस्ड है, इसीलिए आपको रशियन सिटी का ओपन वर्ल्ड मैप तक देखने को मिलता है। और गाइज इस गेम के अंदर आपको रियलिस्टिक एनवायरमेंट के साथ एंडलेस ट्रैफिक देखने को मिलता है, तब जाके जब आप कार ड्राइव करते हो तो बहुत ही ज्यादा आनंद आता है। और गाइज इस गेम के अंदर आपको डे नाइट साइकिल क्लाइमेट चेंज का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अब वही बात करते हैं गेम के साइज की, तो गेम का साइज होने वाला है 73 MB। गेम आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड पर रन कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट नंबर वाले गेम की, जिसका नाम है रेसिंग मास्टर। सबसे पहले बात करते हैं गाइस गेम के बारे में। तो आप कहोगे गाइस इस गेम को क्यों मैंने फर्स्ट पे रखा है, हमें तो ये गेम पता है। भाई आप इसको बाहर से जानते हो, लेकिन मैं इस गेम को गाइस अंदर से जानता हूं। क्योंकि गाइस इस गेम को मैंने फर्स्ट पे इसलिए रखा है और इस गेम को मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इस गेम के मुकाबले कोई गेम नहीं है जो कि आपको PC के अल्ट्रा HD ग्राफिक, और गाइस अगर आपका फोन हाई एंड डिवाइस सपोर्ट करता है तब तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि इस गेम के अंदर आपको 100 से भी ज्यादा लाइसेंस कार देखने को मिलती है, लाइक फरारी, लैम्बोर्गिनी, एस्टो मार्टिन और कोनीसिग तक देखने को मिलती है इस गेम के अंदर आपको, इसीलिए मैंने इस गेम को फर्स्ट पर रखा है। और सबसे खास बात, इस गेम के अंदर आप लाइव कॉम्पिटिशन कर सकते हो, वो भी ग्लोबल सिटी में। आपको इस गेम के अंदर अपनी फ्रेंड्स की भी जरूरत नहीं है। और गाइज इस गेम के अंदर आपको रियलिस्टिक फिजिक्स देखने को मिलती है कार्स की। और गाइज इस गेम के अंदर आप अपनी कार को भी कस्टमाइज कर सकते हो, वो भी अपने तरीके से। और गाइज इस गेम के अंदर आपको ग्लोबल सिटी का बहुत ही बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है, बहुत सारी सिटीज के साथ रियलिस्टिक वेदर के साथ डे नाइट साइकिल तक आपको देखने को मिलती है। और गाइज मैं तो कहूंगा आपको इस गेम को जरूर डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि इस गेम के अंदर आपको रेसिंग के सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब वही बात करते हैं गेम के साइज की, तो गेम का साइज होने वाला है 3 GB। गेम आप पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड पर रन कर सकते हो। हाँ तो गाइस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।